सुनो बच्चों, आज हम सुनेंगे शेर की कहानी। आसपास एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में सारे जानवर मिलजुल कर मित्रता से रहते थे। अचानक से एक दिन वहां पर एक बूढ़ा शेर आता है। सभी जानवरों को मारकर खाने लगता है। ऐसे करते करते जंगल में से सारे जानवर कम होने लगते हैं। तब एक दिन सारे जानवर मिलकर एक जगह पर इकट्ठा होकर एक उपाय सोचते हैं और शेर के पास जाते हैं। महाराज, आप हमें रोज ऐसे मारना बंद कीजिए कि मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूंगा। महाराज, इसमें भी आप ही की भलाई है। अगर आप हमें रोज ऐसे मारकर खाएंगे तो जंगल में सारे जानवर खत्म हो जाएंगे, फिर आपको भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तब शेर सोचने लगता है और कहता है, ठीक है। तब से रोज सारे जानवर एक एक करके जाने लगते हैं। फिर एक दिन खरगोश की बारी आती है, तो खरगोश जानबूझकर ही धीरे धीरे जाने लगता है, देरी से आता है। तब शेर गुस्से से लाल होकर, तूने इतनी देर क्यों की, और तू तो इतना सा है, इतने से मेरी भूख कैसे मिटेगी। तब खरगोश कहता है कि, महाराज, मैं तो जल्दी ही आ रहा था, मगर रास्ते में आते आते एक बिल्कुल आपी की तरह बूढ़ा से शेर ने मुझे रोका था। तब शेर गुस्से से कहता है कि, मेरे जैसा मुझसे बलवान कौन आया है इस वन में। खरगोश, आइए महाराज, मैं आपको दिखाता हूँ। तब शेर को अपने साथ लेकर आता है, एक नदी के पास लेके आकर उसे दिखाता है। तब शेर पानी के अंदर झांक कर देखता है। तब खुद की ही परछाई देखकर शेर उसे मारने के लिए पानी के अंदर कूदता है। उसे तैरना ना आने की वजह से शेर डूबकर मर जाता है। तब सारे जानवर खरगोश की पीठ थपथपाते हैं। तो इसीलिए बच्चों, किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर छोटे से छोटा आदमी भी एक बड़ा सा काम कर जाता है।